आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आई एम राजगोपाल आचारी एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द ग्रास ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। आई हैव बीन गिवन द ऑनर ऑफ इनॉग्रेटिंग दिस हिंदुस्तान आकाशवाणी इन मद्रास। आप सुन रहे थे स्वाधीनता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और इस पद पर रहे एकमात्र भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जिन्होंने मद्रास ऑल इंडिया रेडियो के शुभारंभ के अवसर पर ये उद्गार व्यक्त किए थे। The new आकाशवाणी is intended to cover not only the city of Madras, but the districts in the province. It will broadcast messages and programs from outside the province and even from countries abroad. राजा जी के नाम से लोकप्रिय राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1978 को तोरापल्ली में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विश्वस्त नेता थे। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विधि की उपाधि ली और सेलम में आपराधिक मुकदमों में वकालत शुरू कर दी। 1917 में सेलम की नगरपालिका के अध्यक्ष बनने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद राजा जी पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, वायकाम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया तो राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें 5 जेल भेजा गया। 1937 में मद्रास में चुनावों के बाद कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और राजा जी प्रेसिडेंसी के प्रथम प्रीमियर निर्वाचित हुए। राजगोपालाचारी 1939 में मंदिर प्रवेश प्राधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम लाए, जिसके तहत तथाकथित निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति मिली। राजा जी मद्रास से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। स्वतंत्रता के उपरांत राजा जी को भारत का अंतिम गवर्नर चुना गया और वे इस पद पर 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। उन्होंने 1952 से 1954 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। राजगोपालाचारी प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया। उन्हें कर्नाटक संगीत शैली में कुरई ओनरम इल्लई गीत लिखने का श्रेय भी हासिल है। उनके सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्य में महाभारत और रामायण का अंग्रेजी भाषा में लेखन भी शामिल है। भारतीय राजनीति और साहित्य में योगदान के लिए राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हो गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर
अपनी गृहनगर पहुंच गए। वहां नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई। सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।